आज हम आपको हिंदी सिनेमा के बेहतरीन एक्टर और एंकर अन्नू कपूर का बड़ा सच बताने जा रहे हैं। भोले भाले चेहरे के पीछे की असली हकीकत आप जान गए तो चौंके बिना नहीं रह सकेंगे। भोपाल में 20 फरवरी 1956 को पैदा हुए थे अन्नू कपूर। बहुत साधारण पंजाबी परिवार में पिता मदनलाल कपूर एक छोटी सी पारसी थिएटर कंपनी चलाया करते थे। माँ कमल कपूर टीचर हुआ करती थी, जिससे उनको 40 रुपए मिला करते थे। कुल मिलाकर बचपन में अन्नू कपूर ने बड़ी गरीबी के दिन देखे। कम ही लोगों को पता होगा कि अन्नू कपूर का असली नाम अनिल कपूर था। उन्होंने अपना नाम क्यों बदला, ये किस्सा आपको कुछ देर में सुनाएंगे। फिलहाल बात करते हैं गरीबी के दिनों में वो कैसे जिया करते थे। अन्नू के माँ बाप उनका पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते थे, इसी वजह से IAS अफसर बनने का सपना देखने वाले अन्नू को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने हर छोटे मोटे काम किए जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। वह परिवार की मदद के लिए सड़कों पर चाय चूरन से लेकर लॉटरी तक बेचा करते थे। एक बार तो काम की तलाश में लखनऊ चले आए। यहाँ होटल की छत पर सोते और दिन भर काम करते ताकि घर खर्च चल सके, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिता अभिनय से जुड़े थे, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके भीतर भी एक कलाकार बसा करता था। इसी वजह से वह पिता की नाटक कंपनी में ही काम करने लगे। थोड़े बड़े हुए तो पिता ने देखा कि उनके भीतर अभिनय और एंकरिंग की कला है। इसी वजह से उनका दाखिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में करवा दिया। बस यहीं पर एक नाटक के दौरान उनकी किस्मत चमक गई। हुआ यह कि एक रुका हुआ फैसला नाम का नाटक हो रहा था, जिसमें 23 साल के अन्नू कपूर को 70 साल के बूढ़े का किरदार निभाना था। वह नाटक में बूढ़ा बनकर आए और अभिनय करने लगे। इत्तफाकन वहां मशहूर डायरेक्टर श्याम बेनेगल मौजूद थे। उन्होंने पूछा कि वृद्ध बने इस लड़के की उम्र क्या है। पता चला 23 साल। श्याम बड़े प्रभावित हो गए। बाद में वह 1983 में अपनी हिट फिल्म मंडी बना रहे थे। इसमें डॉक्टर की भूमिका के लिए अन्नू को मौका दे दिया। बस यहीं से अभिनेता ने बॉलीवुड में कदम रखा तो फिर पलटकर नहीं देखा। फिल्म मंडी के बाद उन्होंने बेताब, मशाल उत्सव, अर्जुन, चमेली की शादी और तेजाब जैसी कई बड़ी फिल्मों में दमदार अभिनय से अपनी पहचान बना ली, मगर उनको घर घर तक पहुँचाने वाला तो दूरदर्शन रहा। साल 1993 में दूरदर्शन पर अंताक्षरी प्रोग्राम शुरू हुआ। एंकर बने अन्नू कपूर। इस शो से तो अन्नू कपूर घर घर में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। अब जानिए कि अनिल कपूर कैसे अन्नू कपूर बन गए। हुआ ये कि अन्नू और अनिल कपूर ने एक फिल्म में साथ काम किया, नाम था मशाल। फिल्म में अन्नू का रोल बहुत छोटा था जबकि अनिल हीरो थे। जब फीस की चेक मिली तो अन्नू को 10,000 का चेक मिला और अनिल को सिर्फ 4,000। बाद में अनिल के भाई बोनी कपूर ने शिकायत की कि उनके भाई को 10,000 की जगह सिर्फ 4,000 का चेक मिला है। जब जांच हुई तो पता लगा कि अनिल कपूर नाम से दो चेक कटी हैं, लेकिन अन्नू और अनिल की चेक अदला बदली हो गई थी, क्योंकि अन्नू भी उस समय अपना नाम अनिल ही लिखते थे। एक ही इंडस्ट्री में एक नाम के दो लोग होने पर आगे भी ऐसी दिक्कत होगी, यही सोचकर उन्होंने अपना नाम बदलकर अन्नू कपूर रख लिया। दोस्तों, इतने सफल और भोले भाले से दिखने वाले अन्नू कपूर का एक हैरान करने वाला सच भी है, जिसे आप जानकर चौंक उठेंगे। ये सच इनकी दो बीवियों और शादीशुदा होने के बाद भी धोखेबाजी का है। 90 के दशक की बात है। अन्नू कपूर और अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय लड़की अनुपमा पटेल को एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों ने साल 1982 में शादी भी कर ली, मगर ये शादी तो साल भर भी नहीं टिक सकी। 1993 में अनुपमा ने अन्नू को तलाक दे दिया और अमेरिका वापस चली गई। इसी दौरान उनका शो अंताक्षरी शुरू हो गया। इसी सेट पर उनकी मुलाकात और सुनीता से हो गई। अन्नू को पहली ही नजर में उनसे प्यार हो गया। धीरे धीरे नीता भी अन्नू को पसंद करने लगी। कुछ समय साथ बिताने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। साल 1995 में दोनों की शादी भी हो गई।
साल 2001 में दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम राधिका रखा गया। अरुण नीता अपने भोले भाले पति पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया करती थी, मगर अभी उनके सामने पति का एक घिनौना सच आना बाकी था। अन्नू कई बार घर से कोई बहाना करके बिना बताए गायब हो जाया करते थे, कभी रात को तो कभी दिन में। हालांकि अरुण नीता उन पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, मगर बाद में उनका व्यवहार भी बदलने लग गया तो उनको कुछ शक हुआ। वो रोनिता को घर खर्च के पैसे भी नहीं देते थे, बात बात पर उनको फ्लैट खाली कर चले जाने को कहा करते। कई बार अन्नू बहाना करके अरुण नीता को छोड़ बेडरूम से बाहर चले जाते थे। अरुणिमा को जब भोले भाले अन्नू के चेहरे के पीछे का असली सच पता लगा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उनको धोखा दे रहे थे, उनका अफेयर किसी दूसरी औरत से चल रहा था। अरुणिमा ने जब सच का पता करवाया तो एक और हकीकत सामने आई, उनका अफेयर अपनी पहली पत्नी अनुपमा से ही चल रहा था, जो दोबारा उनकी जिंदगी में आ गई थी। दोनों होटल में चुपचाप मिला करते थे, कई कई दिन तक होटल में साथ ही रुका करते, और इसकी खबर अरुणिमा को सालों तक नहीं मिली। हालांकि जब अरुणिमा को अपने पति की ये घिनौनी हकीकत पता लगी तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने साल 2008 में अन्नू कपूर को तलाक दे दिया। अन्नू तो जैसे तलाक का ही इंतजार कर रहे थे। तलाक मिलते ही फौरन उन्होंने अपनी पहली पत्नी अनुपमा से शादी कर ली। फिलहाल अन्नू और अनुपमा साथ रहते हैं। दोनों के 3 लड़के हैं, जिनके नाम इवान, क्वान और माहिर हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अन्नू कपूर ने रोनिता को धोखा देकर अनुपमा को चुना, यह सही किया या नहीं? आप हमें कमेंट में अपने विचार बता सकते हैं। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।